हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल आज हम अपने इस लेक्चर में एक नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूवी एब्जोर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी अल्ट्रावायलेट एब्जोर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इसको हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी सो तो क्यों हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या चीज है क्यों हम इस चैप्टर को अब पढ़ रहे हैं सिलेबस में है इस वजह से ये तो एक रीजन है ही चैप्टर पढ़ने का बट कुछ जो चैप्टर हमने जैसे कि प्लस वन प्लस टू में हमने पढ़े थे वो हम जानते हैं कि वो ग्रेजुएशन में डायरेक्ट एज इट इज ही उठ के आ रहे हैं ये चैप्टर हमने पहले ग्रेजुएशन प्लस वन प्लस टू में नहीं पढ़ा हुआ है और ये हमारा ग्रेजुएशन में आया है चैप्टर तो ये चैप्टर हमारा ये कैरी फॉरवर्ड होगा मास्टर डिग्री के लिए भी और अगर जो हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो मास्टर डिग्री का टॉपिक भी क्लियर होता है दूसरी बात इस चैप्टर की इससे अलग बहुत सारी एडवांटेज है तो सबसे पहले एडवांटेज की हम बात करते हैं कि हमारे पास बहुत अलग अलग टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जिसमें हमने यहां पर अब हम पहले हम पढ़ते हैं सबसे पहले बेसिक टेक्निक हमारे पास आएगी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देन फिर हम इससे हायर की बात करेंगे तो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी और उससे हायर की बात करेंगे तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हम स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या चीजें क्यों हम इसको पढ़ते हैं क्या इसकी एडवांटेज है तो किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको हमारे पास टेक्निक क्या रहेगी आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक कंपाउंड लिया कंपाउंड को मैंने एक लैब में टेस्ट किया लैब में मैंने थोड़ा सा टेस्ट में कंपाउंड लिया उसमें एक टेस्ट लगाया मैंने नाइट्रोजन के लिए लगाया फिर मैंने उसके फंक्शनल ग्रुप के लिए लगाया फिर मैंने एरोमेटिसिटी देखने के लिए लगाया फिर उसका डेरिवेटिव बनाया फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट लिया और फिर उसके बाद भी उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं होगा कि शायद मेरे पास कुछ कंफ्यूजन रहेगा कि औरतो डेरिवेटिव है या पैरा डेरिवेटिव है या ये मैटा है या ये क्या चीज रहेगी तो उसमें इन चीजों को यहां तक का डाटा कंक्लूड करने में हमारे पास बहुत सारा कंपाउंड वेस्ट हो जाता है बट स्पेक्ट्रोस्कोपी उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज रखती है कैसे रखती है कि इसमें जब भी हम कोई कंपाउंड स्टडी करते हैं तो वो थ्री टू फाइव एम ही रिक्वायर्ड होता है थ्री टू फाइव एम फर्स्ट एडवांटेज की हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में ओनली थ्री टू फाइव एम कंपाउंड ही रिक्वायर्ड रहेगा इससे ज्यादा कंपाउंड की जरूरत भी नहीं होगी देन सेकंड की बात करते हैं जो हमने कंपाउंड यूज किया टू फाइव एम जी उसको भी हम रिकवर कर लेते हैं रिकवर उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं कंपाउंड को कि हमने ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कर सकते हैं आई में कर सकते हैं सिर्फ मास को छोड़ के एक्सक्लूडिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को छोड़ के बाकी सभी से हम ये कंपाउंड को रिकवर कर सकते हैं थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं बहुत ज्यादा फास्ट रिजल्ट आता है टाइम जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आइडेंटिफिकेशन में रहेगा स्पेक्ट्रा आइडेंटिफिकेशन में जो हमारे पास टाइम रहेगा वो वेरी वेरी लेस रहेगा बहुत ज्यादा कम टाइम में बहुत ज्यादा टाइम यूज करेंगे हम बहुत ही कम टाइम में हम उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक है। की बात करता हूँ कि सबसे पहले मैंने उसका नाइट्रोजन का टेस्ट करेंगे नाइट्रोजन के लिए हम आ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेर सल्फेट और बहुत सारे केमिकल हमको प्रिपेयर करने पड़ेंगे या सल्फर की बात करी या है, हाइलोजन की बात करी मेरे पास दूसरे बहुत सारे केमिकल वेस्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर मेरे पास एक सिर्फ एलिमेंट ही कंफर्म होगा उसके बाद फिर मेरे को उसके फर्दर आगे कंपाउंड के टेस्ट करने पड़ेंगे वैदर उसमें एल्कोहलिक ग्रुप है ग्रुप है नाइट्रोजन के कौन कौन से डेरिवेटिव नाइट्रो है अमीन है, है ये सब इस तरह हमको सारे कंफर्म करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए बट यहां पर वेरी लेस टाइम फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं जो भी स्पेक्ट्रा हमारे पास आएगा वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम परमानेंटली सेव कर सकते हैं हम उसको सेव करके रख सकते हैं जो हमारे पास डाटा आएगा क्योंकि ये सारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होंगी वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से अटैच है और कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड हमारे पास सेव रहेगा तो दीज आर द बेनिफिट कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों सिलेक्ट करते हैं ओवर जो हमारे पास दूसरी टेक्निक है उनके उनसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्यों सिलेक्ट करते हैं masa, kita, 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 <tos scholars> yeah. तो था, था। 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 है नागा नागा। को क्यों सिलेक्ट करते हैं हम दूसरी टेक्निक को क्यों नहीं सिलेक्ट करते क्योंकि हमारे पास वेरी लेस कंपाउंड में स्पेक्ट्रा रन हो सकता है उस कंपाउंड को भी हम फर्दर रिकवर कर सकते हैं सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी को छोड़ के बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रा रिकवर सॉरी कंपाउंड रिकवर नहीं होगा और हम बात करते हैं स्पेक्ट्रा आइडेंटिफिकेशन में वेरी वेरी लेस टाइम लगेगा टाइम की बात करी हमने यहां पर तो और हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आया उसका हम रिकॉर्ड रख सकते हैं ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेनिफिट है हम बात करते हैं हमने तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेनिफिट भी पढ़ लिए हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या चीज है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक छोटी सी बात करते हैं हम कहते हैं कि हम सबने स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपने आप खुद ऑब्जोर्व किया हुआ है हम हमारे में से कोई ऐसा पर्सन नहीं है कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने स्पेक्ट्रोस्कोपी को नहीं देखा है हम नेचुरल सिंपल से एग्जांपल लेते हैं जैसे कि बारिश होने के बाद हमको एक रेनबो दिखता है तो रेनबो में क्या हुआ कि जो सनलाइट आई सनलाइट की सनलाइट जो रिफ्लेक्ट होकर हमको सेवन कलर में दिख रही है वो वो भी हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो वहीं से हम एक डेफिनेशन निकालते हैं कि सनलाइट ने जो पानी की बूंदों से इंटरेक्ट किया और हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको एक स्पेक्ट्रा दिया तो वो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी तो हमारे पास वहीं से डेफिनेशन निकल के आती है इंट्रैक्शन ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ यहां पे मैं सनलाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिप्लेस करता हूं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर और मैटर क्या हो सकता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट का इंटरेक्शन किसके साथ मैटर के साथ और रिजल्ट में हमको क्या मिलता है स्पेक्ट्रा मिलता है दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है और हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यूज किया इसमें नाम क्यों यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि जो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे वो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहेगी इसकी रेंज की भी हम बात करेंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो हमने यहां से इस चैप्टर का नाम भी डिफाइन कर दिया क्यों हमने इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहा इसको क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज कर रहे हैं वो हम अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की यूज कर रहे हैं सो हम बात कर रहे हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस लाइट जो लाइट हमारे पास होगी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट का ड्यूएल में हमारे पास कौन कौन सा नेचर होगा आइदर वो वेव नेचर होगा या फिर पार्टिकल नेचर होगा या फिर वो वेव नेचर होगा या दूसरा हमारे पास पार्टिकल नेचर होगा तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो कंपोनेंट होंगे वन इज द इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहेगी दीज आर दर्पेंडिकुलर टू इच अदर ये अपने आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे सो so, अगर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी परपेंडिकुलर कैसे रहेगी ये परपेंडिकुलर होगा अगर जो मेरे पास इस बोर्ड के प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा कि एक इस साइड में आएगी और एक बैक सोलिड लाइन में दिखा रहा हूं कि यह हमारी साइड में आई और यह डैश 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 डे बैक साइड गई और फिर यह हमारी साइड में आई है मींस बोर्ड की बाहर और फिर यह बैक साइड में जा रही है तो यह इस तरह परपेंडिकुलर रहेगी कि जैसे यह होगा और यह होगा तो यह डायरेक्शन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की हुई और यह मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई तो इस तरह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई कर सकता हूं बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो कुछ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रहेगी वो वही प्रॉपर्टी रहेगी जो हमारे पास लाइट की रहती है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी की हमने बात की कि दे नीड नो मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ट्रेवल करने के लिए इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं ये दूसरा इनकी जो स्पीड रहेगी स्पीड वो रहेगी थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड जस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट लाइट की स्पीड के इक्वल रहेगी इनकी स्पीड थर्ड हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ रेडिएशन ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी वेवलेंथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी फ्रीक्वेंसी के सो so, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहेगी उसके हमारे पास थ्री प्रॉपर्टी रहेंगी कि दे नीड नो मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ट्रेवल करने के, के लिए इनको कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं रहेगा इनकी जो स्पीड रहेगी वो जस्ट लाइक इक्वल रहेगी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन रेस टू पावर एट मीटर पर सेकेंड एंड थर्ड हमने बात करी कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इन एनर्जी रेडिएशन की एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमने बात की तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो कंपोनेंट हमारे पास होंगे तो वन इज द अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट और दूसरा विजिबल रीजन विजिबल रीजन अल्ट्रा वायलेट रीजन रीजन की बात करते हैं ये हमारे पास 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर तक रहेगा और विजिबल रीजन हमारे पास रहेगा 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर 800 नैनोमीटर सो so, हमारे पास विजिबल

डिस्टेंस बिटवीन टू अर्जेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ तो हमारे पास दो अर्जेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच में तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस या मैं बोलता हूं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास वेवलेंथ रहेगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू तो अडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ इज नॉन एज वेवलेंथ लेंथ को हम एंगस्ट्रोम से डेनोट करते हैं एंगस्ट्रोम और वन एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू टेन रेज टू पावर माइनस टेन मीटर नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हुआ नंबर ऑफ वेव पास अक्रॉस ए पॉइंट एक पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं इन ए सेकंड वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहेगी फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं न्यू इक्वल टू सी अपॉन ये हमारे पास रही फ्रीक्वेंसी की बात हम बात करते हैं वेव वेव नंबर नंबर की न्यू बार होगा हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ लैमडा रेसिप प्रोकल ऑफ वेव लेंथ एंड रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर नंबर ऑफ वेव्स नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड हमारे पास तो वेव नंबर सो so वेव नंबर हमारे पास हुआ म्यू बार म्यू बार हमने बोला कि म्यू बार इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लैमडा और रिप्रेजेंट क्या करता है कि नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर हमारे पास ये रहा और लैमडा हमारे पास कैसे आएगा यहां से लैमडा इक्वल टू अगर जो हम लैमडा की वैल्यू निकालें तो सी अपॉन न्यू और रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा हमारे पास न्यू अपॉन C हमारे पास यहां से आ जाता है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसका रिवर्स उल्टा हमारे पास ये हो गया देन हमारे पास हम बात करते हैं एनर्जी की एनर्जी इज इक्वल टू ई हमने न्यू e हमने बोला ये हम पहले ही बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एसोसिएटेड विद डिस्क्रीट क्वांटा डिस्क्रीट एनर्जी और इसको हम क्वांटा भी बोलते हैं क्वांटा सो इज इक्वल टू एचन यू ये ऑलरेडी हमने पहले पड़ा हुआ है प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने लाइट तो हम एब्जोर्ब की गई है तो वो हमारे पास एबजोर्पन हुआ सो so, हमने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी वो किसी मैटर पर मैटर से इंट्रैक्ट करती है और फिर क्या हुआ जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो हमको मिलती है वो किस फॉर्म में होगी कुछ ऑफ लाइट एब्जोर्ड इसने क्या किया अमाउंट ऑफ लाइट एब्जोर्व या फिर हमारे पास दूसरे वे में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइट ट्रांसमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड कितनी लाइट वो ट्रांसमिट हुई है कि एब्जोर्शन के बाद कितनी लाइट ऑब्जोर्व हुई है और बाकी कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है तो हम इससे प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करेंगे हमने देखो क्या बोला देखो प्रिंसिपल में होगा कि यहां पर प्रिंसिपल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है मैटर ने लाइट एब्जोर्व करी और बेसिक ये हमारे पास एब्जोर्प्शन का फिनोमना हुआ प्रिंसिपल बात करते हैं प्रिंसिपल की कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज फॉल ऑन द सर्टेन ऑब्जेक्ट या हम व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज फॉल ऑन सर्टेन सैंपल कोई कंपाउंड हुआ सैंपल हुआ उस पर सैंपल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट हुई है और वो सैंपल हमारे पास नॉन यूवी एब्जोर्बिंग सोलवेंट में हमारे पास सैंपल होना चाहिए मतलब वो सैंपल उस सोल्वेंट में होना चाहिए जो फर्दर यूवी एब्जोर्व ना करे ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस जगह सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि जो हम सैंपल यूज कर रहे हैं वो सैंपल हमारा ऐसा होना चाहिए उस कंपाउंड उस सोलवेंट में डिजोल्व होना चाहिए जो सोलवेंट यूवी एब्सोर्व ना करता हो जो यूवी एब्सोर्व ना करे अदरवाइज तो यूवी ऑब्जॉर्व करेगा तो वो सॉल्वेंट का ही हमारे पास स्पेक्ट्रा आ जाएगा तो हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंट्रैक्ट विद एनी सैंपल सो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जोर्व बाय सैंपल जब लाइट उसमें सैंपल से एब्जोर्व की जाएगी तो सैंपल में क्या चेंज होगा अब यहां पर हम थोड़ा सा इससे हट के एक बेसिक चीजें पढ़ते हैं जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करी एनर्जी लेवल डायग्राम की हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी लेवल डायग्राम में सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो मैंने कहा कि E0 जीरो टू ई या E1 वन टू ई टू वट एवर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रहेगी मीन्स क्या हुआ कि यूवी लाइट एब्जॉर्व करी किसी सैंपल ने उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर स्टेट में जाएंगे एंड देन फिर कैसे भी जा सकते हैं अप डाउन जा सकता है डाउन जा सकता है और उसके बाद फिर वो दोबारा एनर्जी रिलीज करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा या तो वो देखो अगर जो हमारे पास हमने कहा कि ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल में तब तो हम बात करें हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम थोड़ा सा इसमें बेसिक और पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल यहां पर हम बोलते हैं ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है वी वन वी टू वी थ्री वी स्टैंड फॉर एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एंड vibrational लेवल फर्दर एसोसिएटेड विद ए नंबर ऑफ रोटेशनल ये आर वन आर टू आर थ्री यहां पर भी आर वन आर टू आर थ्री वट एवर जितने भी हो सकते हैं ये आर स्टैंड फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल यहां से हमारे पास बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि यूवी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसमें इतनी एनर्जी होती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में सीधा डील करती है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या करिए कि E1 से e सॉरी E0 से E1 में ट्रांसफर हो रही है वो मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से E0 से E1 में जंप कर रहा है अब बीच की हम बात करते हैं वाइब्रेशनल लेवल ये तो इन बिटवीन आ रही है तो इनका जो एनर्जी गैप है वो कम है तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगी तब वाइब्रेशनल भी होंगी और वाइब्रेशनल के बीच में रोटेशनल होंगी तो वो तो होंगी ही तो हम अगर जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं तब हमारे पास चेंज क्या आ रहा है स्पेक्ट्रो में ट्रांजिशन हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ हमको वाइब्रेशनल तो मिलेंगी मिलेंगी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी मिलेंगी और रोटेशनल ट्रांजिशन भी मिल रही है वाइब्रेशन मिल रही है वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेशनल भी मिलेंगी तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द कंबिनेशन ऑफ यहां से हमको एक रिजल्ट मिलता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल इन तीनों का कंबिनेशन होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी ऑब्जोर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन तीनों का शन होता है तो यहां से हमारे पास बेसिक क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है यूवी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी में में हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है देखो मैं एक भी देता हूं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होंगी हम कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे स्किन के लिए हानिकारक होती है क्यों क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है देन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ये एनर्जी लेवल हमारे रिमोट में होती है जैसे कि हर का रिमोट की हमने बात करी कार का रिमोट हुआ हमारे पास या फिर हमारे पास टीवी का रिमोट हुआ जो भी हमारे पास रिमोट हो रहे हैं जैसे हमने कार ऑन ऑफ करी है रिमोट से और हमने बात करी कि टीवी ऑन ऑफ कर दिया एसी ऑन ऑफ कर दिया तो ये सारे जो रिमोट जो फंक्शन करेगा वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे वर्क करेगा और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे लिए हम जानते हैं कि घर में कितने हम रिमोट यूज कर रहे हैं हर घर में टीवी है टीवी यूज कर रहे हैं टीवी यूज करने की वजह से क्या होगा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो रहा बात करेंगे ये हार्मफुल नहीं होगी क्योंकि इनकी एनर्जी कम रहेगी और फिर रोटेशनल रोटेशनल की एनर्जी तो बहुत 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 कम होती है ये तो हार्मफुल नहीं रहेंगी तो हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे ज्यादा हार्मफुल हमने बोला कि अल्ट्रावायलेट हमारे पास रहेगी इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है हमने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी लेवल होगी हमारे पास ई जीरो टू ई वन तो अगर जो यूवी हम पढ़ते हैं तो यूवी इज द कंबिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होगी होगी क्योंकि उनका गैप बहुत ज्यादा है उस गैप में जितनी भी ट्रांजिशन आएंगी वो सारी की सारी हमको यूवी के साथ कंबिनेशन में आएगी तो यूवी इज द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो तभी हम कहते हैं कि जब यूवी स्पेक्ट्रा हमने रीड किया तो हमको एक बहुत बड़ा ऐसे ब्रॉडबैंड मिलता है शार्पिक नहीं मिलती शार्पिक कब मिलेगी हमको हम बात करते हैं चलो हम बात करेंगे यूवी आगे रोटेशन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की जब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हुए मान लो सपोज हमने इतनी एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नहीं होगी सिर्फ वाइब्रेशनल चेंजेस होंगे वाइब्रेशनल चेंजेस होंगे तो रोटेशनल तो होगा होगा तो जब वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल होगा इसमें भी हमको ब्रॉडबैंड मिलेगा बट जब हम बात करते हैं रोटेशनल की रोटेशनल की एनर्जी ही बहुत कम होती है तो वाइब्रेशन भी नहीं होगी और रोटेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स uh, तो होगी नहीं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल तो रोटेशनल में सिर्फ हमको सिर्फ और बड़ा शार्प पीक मिलती है वो किस वजह से किस क्योंकि रोटेशनल एनर्जी लेवल में सिर्फ एक ही तरह की ट्रांजिशन होगी वो होगी सिर्फ रोटेशनल उसमें वाइब्रेशन नहीं होंगी और उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होंगी तो ये हमारे पास जस्ट बेसिक था तो हम डायरेक्ट आते हैं अपने प्रिंसिपल के ऊपर कि जब हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सैंपल के ऊपर डलती है तो उसने कुछ लाइट ऑब्जोर्व की और लाइट अब्जोर्व करी तो उसने कुछ ट्रांजिशन शो करी है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ट्रांजिशन उसने शो करी है तो उसके बाद अगर जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ट्रांजिशन हो रही है उसके बाद रिलैक्सेशन हो रहा है दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ यूवी एब्जोर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हम इसको बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में अब लिखते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इसमें ये जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगी उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे इंपॉर्टेंट आएगा हम सबको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो सबसे ज्यादा होती हैं उसके बाद वाइब्रेशनल उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है और जो रोटेशनल ट्रांजिशन होगी उनकी एनर्जी सबसे कम रहेगी तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी सबसे ज्यादा हार्मफुल होगी So, हम बात करते हैं प्रिंसिपल की डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं वेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इंटरेक्ट सैंपल, सो अमाउंट ऑफ लाइट बाय द सैंपल सैंपल के द्वारा लाइट एब्जोर्व होगी और फिर क्या होगा देन चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ यूवी एब्जोर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं तो so, हमारे पास डायग्रामेटिकली सारा एक्सप्लेन हो गया प्रिंसिपल व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द सैंपल, सो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जोर्ड बाई दैंपल देन चेंज तो क्या हुआ चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल दैट इज कॉल्ड एस प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूवी एब्जोर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हम एक बार दोबारा बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विदल देर इज द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जोर्ड बापन चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रावायलेट एब्जोर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो चेंज इन एनर्जी लेवल होंगी उसमें क्या हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विल टेक प्लेस इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या निकल गया आता है वेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट द सैंपल अमाउंट ऑफ लाइट एब्जोर्व बाय दैंपल देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विल टेक प्लेस और चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल विल टेक प्लेस तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास देन ए स्पेक्ट्रा विल ऑब्जर्व ऑब्जर्व दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल हुआ बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है आप यहां से जज कर सकते हो क्या प्रिंसिपल रहा बाय एक फ्लो चार्ट ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट की तरह रहेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियन सैंपल से इंटरेक्ट किया कुछ लाइट एब्जोर्व होगी और एब्जोर्व होने के बाद क्या हुआ कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी उस ट्रांजिशन की वजह से स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हो गया और ये हमारे पास प्रिंसिपल हुआ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जोर्शन ला की एब्जोर्शन ला क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि यूवी लाइट एब्जोर्व हो रही है बाय द सैंपल तो एब्जोर्शन ला हमारे पास दो तरह के रहेंगे इसमें वन इज द बियर्स ला बियर्सला अदर इज लैंबर स्ला तो बियर्सला क्या कहता है कि वेन मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ट फ्रॉम द सैंपल तो क्या होगा देन एब्जोर्शन ऑफ ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल तो लैंबस लॉ क्या रहेगा लॉ वेन सेम ऐसी रहेगा वैन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू द सैंपल दैन एब्जोर्प्शन ऑफ लाइट ऑब्जोर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सैंपल जब वो लेंथ ऑफ सैंपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी तो वो लैमस ला हुआ बियर्स ने क्या बोला? कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल कितनी sample की है? फिर इसके बाद दोनों लॉ कंबाइन हुए सो so, हमारे पास नेक्स्ट आता है बियर्स लॉ तो बियर्स लॉ ने क्या बोला बियर लैम्बर्ट्स ला ये क्या बोलता है कि एब्जॉर्बन जो होगी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ द सैंपल लेंथ कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ द सैंपल तो हमारे पास बियर्स ला गई और हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे लेम्बर्ट्स बियर ला की व्हेन यहीं से स्टार्ट करेंगे व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू द सैंपल देन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ द सैंपल सो हम यहां से एक तो so, यहां से कैलकुलेशन निकल के आती है कि अब्जोर्शन मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी द कंसंट्रेशन एल बी द लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया हमने मोलर एब्जॉर्बिटिविटी या एक्सटेंशन कोफिशेंट एल सी द कंसंट्रेशन एल बी द लेंथ लेंथ एंड मोलर एब्जॉर्बिटिविटी सो हमारे पास एब्जोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर एब्जोर्बिटिव सॉरी एब्जोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी कंसल्टेशन एज वेल एज लेंथ और हमने कॉस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाकर हमने क्या लिखा मोलर एब्जोर्बेटिविटी कॉन्स्टेंट लगा दिया सो एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू मोलर एब्जॉर्बेटिविटी कॉन्स्टेंट सी द बी द लेंथ ऑफ द सैंपल तो यहां से हमारे पास एक डेफिनेशन भी आती है निकलकर कि मोलर एब्जॉर्बिटिविटी क्या होती है मोलर एफ्साइलेन इसको कैसे डिफाइन करेंगे यहां से एफ्साइलेन की वैल्यू निकालो कैसे निकलती है एफसाइलेन इज इक्वल टू ए अपॉन सी कंसंट्रेशन एल लेंथ सो यहां से हम क्या करते हैं कि व्हेन द कंसंट्रेशन एंड लेंथ इज टेकन एज यूनिटी वन ले लेते हैं कंसंट्रेशन और लेंथ होगी वन सेंटीमीटर देन एब्जोर्वेटिविटी मोलर एब्जॉर्बिटिविटी इज डायरेक्ट इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन तो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कब होगी जब कंसंट्रेशन एंड लेंथ हमारे पास वन सेंटीमीटर रहेगी या हम इसको बोल सकते हैं दोनों ही हमारे पास वन वन वैल्यू रहेगी तो हम बोलते हैं कि जो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कांस्टेंट है वो एब्जॉर्प्शन के इक्वल रहेगी और यहीं से हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है यहीं से इसके न्यूमेरिकल भी बनते हैं एक हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की हम बुक में ऐसा भी लिखा होगा लोग आई नॉट अपॉन आई ये हम एब्जोर्प्शन भी बोलते हैं ये कैसे होगा आई जीरो इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट हमने डाली है ये लाइट हमने डाली उसके बाद सैंपल पे डली और सैंपल ने लाइट एब्जॉर्ब कर ली एब्जॉर्व करने के बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी ये आई जीरो होगी और ये आई होगी तो अगर जो हम लोग वैल्यू लेते हैं तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन की कैलकुलेशन निकल के आती है तो एब्जॉर्प्शन हम इस तरह भी लिख सकते हैं देखो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट आई, आई एप्सिलॉन सी एल तो हमारे पास ऐसे भी लिखी जाती है एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा इसमें इसमें कैसे रहेगा कि एबजॉर्शन आपको बोल दी जाएगा एब्जॉर्शन फाइंड आउट करो जब कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल आपको गिवन होगी लेंथ गिवन होगी और ये वैल्यू गिवन होगी तो एब्जॉर्प्शन आपको फाइंड आउट करना है सिंपल सी मल्टीपिकेशन ही है सिंपल मल्टीप्लिकेशन है या मोलर एब्जॉर्बिविटी निकाल सकते हो तो बाकी तीन आपको गिवन होंगी सो so, हम बात कर रहे थे इस एग्जाम्पल की आपको इस तरह का एग्जाम्पल दिया होगा उसमें तीन वैल्यू आपको गिवन होंगी मोलर एब्जोर्टिविटी आपको गिवन है देन देन आपको गिवन है लेंथ ऑफ द सैंपल आपको गिवन है तो इसमें आपको वन एक ही चीज बच गई है कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो कंसंट्रेशन के लिए क्या रहेगा हमारे पास एबजोर्शन डिवाइड बाय एबसाइल एल एब्जोर्शन हमारे पास वन पॉइंट सिक्स देन वट एवर द जो वैल्यू होगी वैल्यू आप पुट करके कंसल्टेशन निकाल सकते हो सो so हमारे पास कंसल्टेशन इससे निकल जाएगी तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास तो हमने आज इस चैप्टर में एक बार ब्रीफ करते हैं चैप्टर में शुरू से लेके एंड तक हमारे पास सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है देन फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज भी हमने बात की थी देन फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करी है फिर हमने वेवलेंथ वेव नंबर फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की बात करी थी और फिर उसके बाद हमने सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर का टॉपिक था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी फिर उसके बाद हमने बी एस ला पढ़ा और फिर हमने न्यूमेरिकल की बात की है तो लेक्चर में इतना ही थैंक यू